तो हेलो गाइस, भाई स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम करने वाले टोयोटा हाई क्रॉस जी का रिव्यू करेंगे। बेस मॉडल है भाई ये, तो इसका रिव्यू करने वाले हैं हम आज। तो भाई इसका रिव्यू करने वाले हैं, तो चाबी है कुछ इस तरह की, आप देख ही सकते हो। ये बेस मॉडल की भाई, तो चाबी कुछ इस तरह की है। ये देखिए भाई, इस तरह की इसकी कुछ चाबी है। तो भाई इसमें चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नॉर्मल मैं आपको पहले इसकी ओवरऑल एक लुक दिखा देता हूँ कार की, पूरी सामने इसके से पूरी लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, चलो मैं पहले आपको इसकी ओवरऑल एक लुक दिखा देता हूँ। ये बेस मॉडल है भाई जी का हाई क्रॉस। ये देखिए, इसमें भाई स्टील रिम चाहिए। तो चलिए भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई आपको मैं चाबी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो भाई देखो, फर्स्ट मैं आपको इसमें मिलता है, आपको पेट्रोल का मिलेगा भाई, पेट्रोल इंजन है ये, 2000 cc का इंजन मिलता है जो कि जनरेट करता है भाई 172 bhp पावर और 209 का NM टॉर्क जनरेट करता है भाई। इसमें मिलते हैं आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे भाई। ये बेस मॉडल एकदम बेस मॉडल है, इसमें आपको बेस मॉडल में दो एयरबैग्स मिलेंगे इसमें, और इसमें मिलेगा आपको 176 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा भाई इसमें। ये देखिए इस तरह का। और भाई चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरह की रहेगी इसकी। ये देखो इस तरह कुछ इसकी ग्रिल है, यहाँ पे आप लोगों देख सकते हो मैंने टॉप मॉडल बनाया था, लोगों किस तरह का था किस तरह का नहीं था। ये देखिए इस तरह का कुछ इसका लोगो है। हेडलाइट्स तो आपको सेम मिलेंगे टॉप में और बेस मॉडल में, सेम हेडलाइट मिलेगी आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे क्या होगा, सॉरी टॉप मॉडल में ये इंडिकेट के यहाँ पे नहीं दिए जाते इसमें, सॉरी। तो भाई इसकी हेडलाइट LED इस तरह की रहती है। यहाँ पे आपको टॉप मॉडल लोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेट्स दिए गए, ये देखिए इस तरह ना। तो इसमें फॉग लैम्प से कुछ भी है नहीं, यहाँ पे टॉप मॉडल यहाँ पे फॉग लैम्प मिलते हैं। ये देखिए इस तरह के भाई, इसमें फॉग लैम्प नहीं, कुछ नहीं ना। तो आपको इसमें कुछ कैमरा दिया है सामने, ये देखिए भाई यहाँ पर कुछ कैमरा नहीं है ना। तो भाई इसमें पार्किंग सेंसर्स है, ये देखिए ये बेस मॉडल में भाई, देखिए कहीं पे भी भाई इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप, पार्किंग सेंसर्स कहीं पे भी नहीं दिया इसमें। ये देखिए भाई एक भी पार्किंग सेंसर सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस तरह की कुछ इसकी ग्रिल है, आप देख सकते हो सामने से नॉर्मल है सब। ये देखिए लोगों भी इस तरह भाई, यहाँ पर भी कुछ है नहीं, बैचिंग वैचिंग कुछ भी नहीं आप देख सकते हो इस तरह। इसमें आपको ऑटोफोल मिरर कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, देखिए इसमें यहाँ पे ज़रूर मिरर में यहाँ पे इंडिकेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह के फुल, ये ऑटोमेटिक नहीं है भाई। इसमें सामने दो वाइपर्स मिलेंगे आपको इसमें, ये देखिए ना, इसमें सनरूफ मिलेगा कुछ नहीं। और भाई इसमें आपको मिलेंगे 16 inches के स्टील रिम मिलेंगे, ये देखिए भाई, और भाई कुछ भी नहीं है भाई बेस मॉडल में, 16 inches के स्टील रिम मिलेंगे जो कि 205/65 R16 का टायर लगते हैं। इसमें अपोलो के टायर दिए गए भाई, ये देखिए टायर भी ठीक है अपोलो के इसके, ये देखिए अपोलो के टायर दिए गए इसमें। ये देखिए भाई इसमें नॉर्मल यहाँ पे कुछ है नहीं, बैचिंग वैचिंग कुछ भी नहीं इस तरह, ये देख सकते हो। खाली साइड मिरर में आपको यहाँ पे इंडिकेट दिए गए, और यहाँ पे दो देख सकते हो मिरर के पास कुछ भी नहीं, नॉर्मल है एकदम। ये देखिए भाई नॉर्मल है एकदम। डोर हैंडल्स भी एकदम सेम नॉर्मल है, कुछ दिया नहीं, ये देखिए इस तरह सेम भाई पीछे का, ये देख सको, ये देखिए भाई इसमें आपको पीछे, इसमें देखिए भाई इसमें आपको पीछे, हाँ डिस्क ब्रेक दिया गया इसमें, ज़रूर डिस्क ब्रेक दिया गया, ये अच्छा है भाई। इसमें सेकंड रूम सेकंड हाँ बैक में भी इसमें डिस्क ब्रेक दिया, ये बहुत अच्छा है भाई। और 16 inches के इसके स्टील के में, ये देख सकते हो आप अपोलो के कुछ टायर से इसके, इसमें आप फुटरेस्ट है कुछ नहीं है भाई इसमें, देख सकते हो आप इस तरह। ओ भाई पीछे आपको देख सकते हो यहाँ पे इसकी लाइट तो नॉर्मल सेम मिलती है आपको, जो कि टॉप मॉडल में भी इस समय एक ही है लाइट। इसमें यहाँ पे आपको पीछे वो वाइपर मिल जाएगा, ये देखिए वाइपर ऊपर आपको यहाँ पे टेल लाइट मिलेगी, और ऊपर मिलेगा आपको शार्क एंटीना। यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिया है, ये देखो इस तरह कुछ इसका लोगो है, नॉर्मल है भाई। ये क्या है लोगो से यार, ये देखिए बहुत डस्ट धूल जमा होती है यहाँ पर इस तरह। यहाँ पे पीछे ज़रूर आपको यहाँ पे सेंसर्स दिए गए, 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, ये देखिए 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर दिए गए भाई पीछे। यहाँ पे इसकी बैचिंग दी गई, ये देखिए भाई बैचिंग इनोवा हाई क्रॉस,
यहाँ पे पैचिंग दी गई है, ये देखिए इस तरह। और पीछे भाई यहाँ पे कुछ भी कैमरा नहीं है, आप देख सकते हो इसमें। ये देखिए भाई, कल लाइट का ये दिया है नंबर प्लेट के लिए, और कुछ भी कैमरा नहीं है भाई पीछे इसमें। यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्टर यहाँ पे दी गई, ये देखिए इस तरह। ये देखिए भाई, और कुछ भी नहीं है भाई इसमें, एकदम बेस मॉडल है भाई। ये देखिए इसमें पीछे स्पेयर व्हील यहाँ पे दिया है, ये देखिए इस तरह। ये देखिए भाई, कुछ भी नहीं, नॉर्मल एकदम बेस है भाई। ये देखिए भाई, साइड प्रोफाइल बात करते हैं तो देखिए इस तरह। यहाँ पे फ्यूल टैंक का ये दिए गए भाई, देखिए इस तरह। इसमें आपको 52 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है भाई, देखिए सेम टोयोटा की स्टील रिम्स दिए गए इसमें। यहाँ पे देखिए मिरर्स भाई सब सेम ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें दिखाने के लिए। तो चलिए भाई, इसका अब अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या फीचर्स है क्या नहीं। तो चलिए, तो भाई देखिए लॉक पड़ी है, अनलॉक कर लिया इसको। ये देखिए, तो भाई अब देखिए इसका इंटीरियर की बात करें। इस तरह का कुछ इसका स्पीडोमीटर है, आप देख सकते हैं, नॉर्मल दिया है भाई। जैसे आप टॉप मॉडल लेने जाते हो तो उसमें पूरा डिजिटल मिलेगा आपको। ये देखिए भाई, इसमें ये देखिए कुछ 200 की स्पीड है भाई, पेट्रोल है ये, नॉर्मल हाइब्रिड हाइब्रिड कुछ भी नहीं है ये। आप देख सकते हो, तो कुछ इसकी इस तरह की स्टीयरिंग है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिया नहीं। ये देखिए भाई, ये डमी है खाली, ये तो कुछ वर्किंग है नहीं भाई। ये यहाँ पर ये लोगो दिया है टोयोटा का, ये देखिए इस तरह कुछ इसका मीटर है। यहाँ पे देख सकते हो, एक एसी वेंट यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे सेम एसी वेंट तो आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स दिए गए, ये देखिए भाई इस तरह के कुछ इसके कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे पुश एंड स्टार्ट का ये दिया गया, ये देखिए, ये देखिए भाई इस तरह। यहाँ पे सेम आपको वाइपर्स और लाइट्स के दिए गए, ये देखिए भाई, ये देखिए सॉरी वाइपर्स के नहीं भाई, लाइट्स के दिए गए। यहाँ पर ऑटो मिलेगा जो भी लाइट्स में, यहाँ पर देखिए इस तरह, ये देखिए वाइपर्स के यहाँ पे भाई इस तरह। यहाँ पे इसके मोड दिए गए, देखिए भाई ड्राइविंग मोड ऑटोमेटिक भाई, ये देखिए भाई इस तरह। इको मोड दिया गया इसमें, ये देखिए। और भाई यहाँ पे सेम चार्जिंग पॉइंट की दो सॉकेट दी गई, ये अच्छा है भाई इसमें, ये देखिए इस तरह। और भाई डैशबोर्ड नॉर्म बात करें तो पूरा कुछ भी नहीं है भाई, हाल प्लास्टिक ही दिया है, इसके सिवा कुछ है नहीं। ये देख सकते हो आप, ना तो इसमें LED स्क्रीन है, ये कुछ नहीं है। देखो भाई, ये आफ्टर मार्केट आपको लगवानी पड़ेगी इस तरह। ये देखिए भाई, कुछ भी नहीं दी गए, हेजार लाइट का कंट्रोल दिया गया इस तरह कुछ इसका है। देखो वहाँ पे एयरबैग्स मिलेगा आपको सेम, ये देखिए भाई कुछ भी नहीं भाई प्लास्टिक के सिवा। यहाँ पे एसी वेंट इस तरह कुछ इसकी स्टीयरिंग है नॉर्मल, ये देख सकते हो। आफ्टर मार्केट आप करवा सकते, लगवा सकते हो सब कुछ। और भाई इसका ये देखिए हैंडल चेंज देखने जाते हो तो भाई ये भी देखिए प्लास्टिक का दिया गया, मैंने आप जो कि आपको बताया था टॉप मॉडल में। ये देखिए भाई लेदर का दिया जाता है, जी इसमें नहीं है भाई। ऊपर देख सकते हो आप इस तरह, यहाँ पे लाइट दी गई है, देखिए माइक ज़रूर दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे भाई डोर हैंडल्स भी मिसिंग है भाई, ये देखो डोर हैंडल्स बोल रहा हूँ भाई, ये हैंडल भी मिसिंग है। यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे ज़रूर एक हैंडल दिए गए भाई। टॉप मॉडल है तो भाई इसमें कम से कम ये तो देना चाहिए था, इसमें कौन सा क्या जा रहा है इनका, सही है ना। तो भाई आप देख सकते हो इस तरह कुछ इसका डैशबोर्ड है, डोर बैग्स है यहाँ पे इस तरह, ये है भाई। इसमें ना तो पीछे कैमरा कुछ भी नहीं दिया भाई, ये देख सकते हो। लाइट्स दिखा देता हूँ मैं आपको, सॉरी यार, ये डोर्स के, जैसे डोर्स ओपन रहता है तो लाइट जलता है भाई, ठीक है। तो भाई मैं आपको इसका एक बार मीटर दिखा देता हूँ ऑन करके। ये देखिए भाई इस तरह इसका कुछ मीटर है, ये देखिए पेट्रोल इंजन है भाई, साइलेंट इंजन है इसका एकदम, है नहीं कुछ। तो भाई इसको ऑफ कर देते हैं, ये देखिए ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो भाई आपको देखिए यहाँ पे लाइट इस तरह की इसकी, ठीक है। वहाँ पे सेम आपको डोर्स में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ये देख सकते हो आप। चलो मैं आपको इसका, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट नॉर्मल सेम दिया बॉटल, पूरा प्लास्टिक के सिवा कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको ज़रूर एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया, ये देख सकते हो इसका कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स है। ये ग्लोव बॉक्स तो सेम ही है भाई, कुछ भी ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर सेम डोर्स में आप देख ही सकते हो, ये देखिए ये पावर विंडोज के दिए गए भाई कंट्रोल्स। यहाँ पर लॉक अनलॉक ये पता होगा आपको, हेडलाइट के कंट्रोल से भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सही है। तो भाई नॉर्मल कुछ है नहीं ज़्यादा, पूरा प्लास्टिक यूज़ किया है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई नॉर्मल भाई। LED स्क्रीन भी गायब है इसकी, ये देखिए स्पीकर से मिलेंगे बस भाई। सीट्स कवर देख सकते हो नॉर्मल ही भाई, कुछ भी नहीं, ना तो इस पर लोगो है,
कम से कम लोगों भी देना चाहिए ना इनको, जैसे इनोवा का है तो लोगों भी देना चाहिए, लोगों भी नहीं कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ मिसिंग है इसमें बेस मॉडल में। ये तो भाई बहुत ही गजब का बेस मॉडल, जैसे कुछ है ही नहीं, ये इनोवा की लग रही नहीं है मुझे अंदर से तो। ये देखो यहाँ पे ज़रूर एक टोयोटा का लोगो दिया है। ठीक है तो चल मैं आपको ये डोर्स दिखा देता हूँ भाई। डोर्स आप देख ही सकते हो भाई, इसमें पूरा प्लास्टिक यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह प्लास्टिक के सिवा कुछ भी नहीं है भाई। ये देखिए पूरा प्लास्टिक है, पूरा फाइबर प्लास्टिक। ये देखिए ब्लैक कलर का। ये देखिए भाई यहाँ पे सेम बॉटल रखते थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई। ये देखिए तो भाई देखिए इस तरह की कुछ इसकी डोर है। ये देखिए कुछ भी नहीं है भाई इसमें। ये देखिए ज़रूर भाई ये लाइट यहाँ पे दी गई, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए भाई इस तरह यहाँ पे कुछ बैचिंग वैचिंग कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। ये देख सकते हो सीट्स के कंट्रोल भाई। ये देखिए यहाँ पे इससे कुछ नहीं दिया। ये देखिए नॉर्मल यहाँ का ऐसे कंट्रोल देखिए, ये तो आपको पता होगा सबको। ठीक है यहाँ पे आपको देखिए इस तरह ये कंट्रोल यहाँ पे दिए, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं दिया भाई। सीट्स के कंट्रोल ये देख सकते हो आप इस तरह यहाँ पे इसके, यहाँ पे आपको देखिए फ्यूल टैंक का दिया गया और यहाँ पे बोनेट का आपको दिया गया स्विच, ये देख सकते हो आप। और भाई ये पूरे डमी स्विचेस से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये कुछ काम के है नहीं, आपको पता है ना ये सब। ये देख सकते हो टॉप मॉडल लेने जाते हो उसमें बहुत कुछ फीचर्स मिलते। तो भाई ये देखो ये तो आपको पता ही होगा यार, ये देखिए इस तरह कुछ इसके कंट्रोल से। तो चलिए मैं आपको इसका सेकेंड रो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए भाई तो भाई अभी हम बैठ चुके हैं सेकेंड रो में। ये देखिए भाई सेकेंड रो, इसमें भाई सनरूफ नहीं है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हो लाइट दी गई है, ये ऑफ़ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सेम एसी वेंट है, वहाँ पे आपको ऊपर एसी वेंट मिलेगा। ऊपर भाई सनरूफ कुछ है नहीं इसमें, आप देख ही सकते हो सनरूफ भी मिसिंग है इसमें। टॉप सॉरी बेस मॉडल है तो नहीं देगा। तो भाई यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल दिए गए, ये देख सकते हो एसी के ऑन ऑफ के। यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट दिए गए, ये देख सकते हो ये चार्जिंग पॉइंट तो सेम है। अच्छा है चलो चार्जिंग पॉइंट इसमें। ये देखिए भाई इस तरह भाई यहाँ पे आप नॉर्मल बैठ सकते हो, दो एक और दो, यहाँ पर और एक जना बैठ सकता है। नॉर्मल कम्फर्टेबल तो नहीं रहेगा तो बोलते। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऊँचा नीचा ऐसा है। देखो ये देखिए भाई भाई सनरूफ है नहीं इसमें, ये सब कुछ इसका बेस मॉडल है भाई। इसमें सीट्स के आपको कुछ है नहीं पता है या टॉप मॉडल में कैसे रहता है, जैसे पूरे इलेक्ट्रिक सीट्स मिलते हैं भाई टॉप मॉडल में। तो इसमें कुछ भी पूरा मैनुअल दिया है, खाली गियर बॉक्स को छोड़ के भाई। इसके मैं आपको थर्ड रो दिखा देता हूँ इसका एक बार। ये देखिए भाई एक सेकेंड भाई, थर्ड रो दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। ये देखिए भाई सीट्स इसके कुछ इस तरह फोल्ड हो जाते हैं। ये देखिए भाई इस तरह इसके सीट्स फोल्ड हो जाते हैं भाई। तो भाई इसको सामने ले लेते हैं एक सेकेंड। ये देख सकते हो यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल दिया है, नीचे जैसे आप करते हो तो सामने सरकाने के लिए दिया है। ये देखिए भाई इस तरह, ये तो आपको पता होगा जैसे यहाँ पे आपको स्विच दिया गया इस तरह। ये देखिए भाई इस तरह कुछ इसका कंट्रोल का स्विच है। तो भाई ये देखिए थर्ड रो दिखा देता हूँ मैं आपको चलो। तो भाई थर्ड रो में अभी हम बैठ चुके हैं नॉर्मल। ये देखिए तो भाई थर्ड रो इस तरह का है कुछ इसका। थर्ड रो में भी एसी मिलेगा आपको सेम, क्योंकि टॉप मॉडल में भी एसी वेंट मिलता है भाई थर्ड रो में। ये देखिए वहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, देखिए उस तरफ। ये देखिए इसका चार्जिंग पॉइंट है, पूरा कुछ है नहीं भाई। बेस मॉडल तो मेरे हिसाब से लेना तो उतना फ़ायदा नहीं है भाई, मतलब बेस मॉडल आप लेके आफ्टर मार्केट करवा सकते हो सब कुछ। ये देखिए तो भाई सीट्स इस तरह के भाई थर्ड रो में भी आप देख सकते हो भाई, कूप ठीक है, कंफर्ट तो इसमें कंफर्ट तो ठीक है भाई। देखो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे लोग पीछे। ये देखिए ठीक है भाई थर्ड रो भी इसमें ठीक है। ये देखिए कुछ है नहीं, ऊपर लाइट दी है भाई, कुछ भी नहीं इसमें इस तरह। ये देखिए तो चलो मैं आपको इसको लास्ट आपका सॉरी इसका डिक्की ओपन करके दिखा देता हूँ। सीट्स में भाई कुछ भी नहीं दिया, ये देखिए नॉर्मल है भाई, ना तो सीट्स के ऊपर लोगो है इनोवा का, कुछ भी नहीं आप देख सकते हो इसमें। ये भाई लेदर, ये नॉर्मल वैसा कपड़ा है यार, आपको पता होगा कैसे बोल फाइबर का जैसा कुछ ऐसा ही कपड़ा है। ये डस्ट तो बहुत जल्दी पकड़ेगा भाई इस पर, क्या है जैसे आप अगर बेस मॉडल ले भी ले लेते हो तो भाई मैं बोलूँगा इसमें जैसे ऊपर का ये रूफ़ है इस तरह के इंटीरियर डलवाना चाहिए इसमें, जो कि भाई गंदा नहीं दिखता है। अगर ब्लैक कलर में लेते हो आप तो भाई बहुत ही जल्दी गंदा दिखता है। ठीक है तो चलो मैं आपको इसका लास्ट
डिक्की ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। चलो तो भाई सेकंड रो की आप देख ही सकते हो इस तरह की कुछ है, इसकी डोर्स पे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह के डोर्स है पूरा, कुछ भी नहीं भाई, ना तो शेड्स दिए गए जैसे आपको बता होगा टॉप मॉडल में शेड्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ है नहीं भाई इसमें, ये देखिए। तो भाई लास्ट इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए इस तरह। तो भाई इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको एक सेकेंड, इसमें आपको चाबी के कंट्रोल से यहाँ पे ज़रूर बटन दी जाती है, तो आपको ऐसे इसको हटाना है भाई, ये देखिए, ये देखिए भाई इसमें हाइड्रोलिक दिया गया नॉर्मल, ठीक है ये देखिए भाई इस तरह, इसमें आपको 300 का बूट स्पेस मिलेगा भाई, ये देखिए इस तरह भाई नॉर्मल दिए गए यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इसमें जे टॉप मॉडल लेने जाते हो तो JBL के मिलते हैं स्पीकर्स, यहाँ पे आपको ये देखिए लाइट मिलेगा इस तरह, ये देखिए भाई कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, देखिए इस तरह का कुछ भाई कुछ भी नहीं है नॉर्मल बेस मॉडल में, ज़रूर पीछे हाइड्रोलिक दिया है ये बहुत ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर इस तरह, ये देखिए भाई यहाँ पे भाई ये पीछे ओपन डिक्की ओपन करने का यहाँ पे स्विच दिया है इसका, चाबी में कुछ भी नहीं है ये देखिए। तो भाई आप देख चुके हो इसका भाई, ये भी पेट्रोल इंजन है भाई इसमें 2000 cc का, ये देखिए भाई ये भाई एकदम बेस मॉडल है जी वर्जन, ये देख सकते हो हाई क्रॉस का। तो भाई बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, कुछ रह गया तो भाई सॉरी भाई, चलो फिर भाई टेक केयर, जय श्री राम।